जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में अपन समरांगण सूत्रधार ग्रंथ, जो राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में रचा गया, उस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उसका 6वां अध्याय है सहदेवाधिकार, ऐसा नाम का एक अध्याय है। और उसमें यह बताया है कि जिसको अपन वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहते हैं वो किस प्रकार हुई। तो यहाँ जो कथानक है वो थोड़ा अलग है, तो देखते हैं। और उसमें कैसे चेतना के स्तर में गिरावट हुई और उसके बाद कैसे वास्तु दोष लगना आरंभ हुए, उसको एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में बताया गया है। तो कहा श्लोक क्रमांक 1 में, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि भूत प्राणियों की उत्पत्ति के पश्चात सभी जनाकुला प्रजा देवताओं के साथ ही रहती थी, यानी मनुष्य जन और देव जन ये सब साथ साथ रहते थे। और जो मनुष्य थे, श्लोक क्रमांक 2, वे शोक व्याधि जरा आतंक आदि से रहित पहले कृतयुग यानी सतयुग में स्थिर यौवन वाले होते थे और सदा युवा रहते थे। तो पहले जब कृतयुग था, एक ही युग था, कृतयुग कह लो सतयुग कह लो, और मनुष्य जो है वो देवता के साथ रहते थे और बुढ़ापा नहीं आता था, वो सदा स्थिर यौवन वाले रहते थे। श्लोक क्रमांक 3, वे देवताओं के साथ पर्वतों के निकुंज, नदियों में, सरोवर में, चित्र विचित्र वनों में खेला करते थे। तो देवता और वो साथ साथ रहते थे, खेलते थे। एक बार वो देवताओं के साथ उड़कर स्वर्ग में पहुंचकर पूर्ण स्वतंत्रता से देवताओं के साथ घूमने लगे, तो उनकी जो इच्छा शक्ति कह लो, संकल्प शक्ति कह लो, प्योरिटी कह लो, वो इतनी स्ट्रांग थी, इतनी सशक्त थी कि वो देवता सदृश थे, देवता के समान ही थे। रंग बिरंगे कपड़ों को पहने हुए, अनेक प्रकार के आभूषणों को पहने हुए वे सब देवताओं दिखाई पड़ते थे। कल्पद्रुम महलों के समान था, चित्र विचित्र आभूषण पहने हुए स्त्रियों के साथ उन महलों के समान कल्पवृक्ष में वे लोग निवास करते थे और क्रीड़ा करते थे। भूख प्यास दुखों से रहित वे सब 10,000 की आयु वाले होते हो गए और उनके शरीर रत्नों के समान चमकते हुए दिखाई देते थे। तो वह किस प्रकार के थे कि वह देवताओं के साथ रहते थे, उनके साथ स्वर्ग भी चले जाते थे, महलों में, कल्प वृक्ष के महलों में वो रहते थे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे, युवा रहते थे। श्लोक क्रमांक 8, उन्होंने कभी भूरस एक का रस पी लिया तब वे रति प्रिय हो गए, कामी हो गए, स्वेच्छा से आहार विहार करने लगे, मनमानी करने लगे, कभी स्वीकार, कभी विग्रह, कभी छेद विशद, इस प्रकार उनके जो मन थे वो मनमानी करने लगे, मन से जो मनमानी करने लगे। इसके पहले की क्या स्थिति थी उसको श्लोक क्रमांक 9 में बताते हैं। यहां पर न तो सूर्य बहुत अधिक तपता था, मतलब बहुत अधिक गर्मी नहीं होती थी, न ही बहुत आंधी चलती थी, रात्रि कोहरे से रहित रहती थी, सुंदर होती थी, रात्रियों में पूर्ण चंद्र सुशोभित रहता था, यानी तिथि भी जो है वो घटती बढ़ती नहीं थी, हमेशा पूर्ण चंद्र रहता था, मेघों की छटा भिन्न व स्निग्ध काले अंजन के समान, बिजली के साथ ढोल के शब्द के समान और कबरी गाय के बाल के समान होती थी, मेघ जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे। श्लोक क्रमांक 11, वहाँ वनालय कोयल वधु के काटे हुए आम के बोर और सदैव फूल फल भोग उपस्थित रहते, मतलब जो ऋतु थी वो वसंत ऋतु थी, केवल एक ही वर्ण था, वेद भी एक ही था, ऋतुओं में ऋतु कामदेव का सखा मित्र वसंत था। सब लोग रूप शास्त्र सुख ऐश्वर्य से सुशोभित थे, युक्त थे, सभी लोगों में समानता थी, कोई उत्तम मध्यम अधम ऐसा नहीं था, यानी वर्ण भी एक ही था, ब्राह्मण वर्ण था। तो रात्रि जो थी वो कोहरे से रहित थी, पूर्णचंद्र रहता था, वसंत ऋतु थी, वेद भी एक ही था,
श्लोक क्रमांक 14, न तो खेत ग्राम पुर क्षेत्र खल आदि थे, न डसने से, न मच्छर से, न मांस खाने वालों से कोई भय था, न ही ग्रह आदि का कोई भय था। तो सारा का सारा जो प्रकृति थी वो एक तरह से उचित अवस्था में थी, शायद साम्यवस्था कह सकते हैं, और ऋतुराज कह लो, वो वसंत है, तो कोई भी भय इत्यादि नहीं था। न कल परोक्ष से प्राप्त होने वाले भोगों और ऐश्वर्य का कोई राजा था, मतलब कोई भेद नहीं था। इस प्रकार से प्राचीन भारतवर्ष में देवताओं को श्री धारण किए हुए, देवताओं के एक तरह से समान लोग निवास करते थे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। देवताओं के साथ रहते थे परंतु वे उनके प्रभाव को नहीं जानते थे। जब बहुत समय देवताओं के साथ रह लिए, मित्रवत रह लिए एक तरह से, तो फिर वो देवता का तिरस्कार करते लगे। सब कुछ जानते हुए भी अब वो देवताओं को पूजित नहीं करते थे, पूजा करना उन्होंने बंद कर दिया। तो देवताओं ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग में डाल दिया, इससे स्वर्ग में जाने की उनकी जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। वह परम सरस भूरस पृथ्वी में आकर बेकार हो गया। अब वो लोग कल्प वृक्ष को और देवताओं के साथ हुए उन क्रीड़ा को याद कर करके विलाप करने लगे, शोक करने लगे। वो जो चेतना थी, जो प्यूरिटी थी, जो हमेशा एक तरह से ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते थे, गुणातीत अवस्था में रहते थे, अब उनकी चेतना में गिरावट शुरू हुई तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अपने अनर्थ को याद करने लगे, विलाप करने लगे। प्राणों की रक्षा के लिए परपटक नाम का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उससे वो अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। श्लोक क्रमांक 22, वे अपना वास कल्प वृक्ष न होने के कारण अन्य वृक्ष में करने लगे और समय के साथ साथ वो परपटक जो वृक्ष था वो भी विलीन हो गया। कल्प वृक्ष यानी संकल्प की ऐसी अवस्था कि जहाँ जो उस अवस्था में जाके जो संकल्प करते हैं वो पूरा होता है, वही कल्प वृक्ष। तब वो जो संकल्प शक्ति थी वो समाप्त हो गई। अब उस परपटक के नष्ट होने से बिना जुताई हुए अपने आप होने वाले जो चावल थे, शाली थे, वो उत्पन्न हुए। उसके सुस्वादु व्यंजन से उन्होंने तृप्ति का अनुभव किया। फिर शाली नष्ट ना हो जाए इस आशंका से पेड़ के नीचे उसके बड़े बड़े ढेर लगाए, खेत बनाए। इस प्रकार ईर्ष्या व द्वेष के साथी उन लोगों में लोभ आ गया। पहले द्वेष आया, ईर्ष्या आई, फिर लोभ आ गया, और धीरे धीरे कामदेव ने भी अपने पैर जमा लिया। फिर द्वंद्व को प्राप्ति से उन मति उत्तम गति धारण करने वालों को भ्रम हो गया, उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई। धैर्य के भंग होने से स्त्रियों में अत्यधिक राग पैदा हो गया और फिर दार छेर निमित्त विभिन्न क्लेशों की जड़ से वे अलग अलग जोड़े हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही वो काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आ गया, सब आ गया, तो वो जो है फिर अपने वो जोड़ा बना के वो रहने लगे। इसके बाद अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से उनका भी आत्मा का प्रभाव जो है वो गिर गया, नीचे आ गया। उन दुर्भाग्यों का वह शाली तंडुल जो था वो भी सूख गया, भूसी पैदा हुई। रजोगुण के कारण, प्रकृति के प्रकोप के कारण उनकी पुण्यशीलता चली गई। जो चेतना पहले गुणातीत थी, फिर सत्वगुणी थी, अब जो रजोगुण उसमें आ गया तो क्या हो गया, उनकी जो रजोगुण यानी यही क्रोध काम है ना, लोभ, ये रजोगुण है, तो उनकी जो पुण्यशीलता थी वो चली गई। भूसी का सेवन करने से मल प्रवृत्ति होने लगी। उस तुष्य धान के नष्ट होने पर इकट्ठा किया हुआ धान भी जब समाप्त हो गया तो उनकी बड़ी दुर्गति हुई। वो चीर वत्कल यानी छाल इत्यादि के वस्त्र धारण करने लगे, कंदमूल फल पर निर्वाह करने लगे। समय के बदलने के साथ वो जो एक ऋतु थी उसके बदले अब 6 ऋतु हो गई। उनका शरीर दोष रोग शोक से व्याप्त होने लगा। ये शरीर में आकर मन में काम क्रोध ईर्ष्या दीनता घृणा, इससे वो मन जो है वो दूषित हो गया। तो क्या हो गया, अब संकल्प शक्ति समाप्त हो गई, उसकी ताकत चली गई। तो इसी प्रकार फिर दुख होने लगे, आदि देविक आदि भौतिक आदि, गर्मी वर्षा सर्दी से उत्पन्न हुए आदि देविक दुख हुए।
व्याज मृग आदि हिंसक पशुओं से आदि भौतिक दुख होने लगे। इस प्रकार तीनों दुखों से पीड़ित होके वे मैथुन आदि को छिपाने के लिए बर्फ निहार सर्दी वर्षा आंधी से बचने के लिए अपने घर बनाए, वृक्षों के ऊपर आवास से उपकर पत्थरों से वृक्षों को काटकर झोपड़ी बनाने लगे। कल्प वृक्ष के आकार के महलों को याद करके एक साल द्विशाल त्रिशाल सात साल दस साल ऐसे भवन बनाने लगे। इस प्रकार परकोटों खाइयों से घरों घास आदि को ढककर घर की तरह सुख से रहने लगे। इस प्रकार सर्दी गर्मी हवा जल से बचाने के लिए बचने के लिए घरों में रहने लगे। वे खुशी से प्रफुल्लित मन से सुख से बहुत समय तक इसी प्रकार रहने लगे। ये जो है छठवां अध्याय समाप्त हुआ। तात्पर्य क्या निकला कि पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, चेतना गुणातीत थी, सत्वगुण से भी ऊपर थी और जो इच्छा करते थे वो तुरंत पूरी होती थी, कल्प वृक्ष था। फिर धीरे 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 देवताओं की अवज्ञा करने लगे, यानी चेतना में गुणों में वो धीरे धीरे सत्वगुण से रजोगुण होने लगे। जब वो रजोगुण हो गई उसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब आ गया तो अब जो है वो कल्प वृक्ष भी गायब हो गया, संकल्प शक्ति भी समाप्त हो गई। एक ही जो ऋतु थी वसंत वो छह ऋतुओं में कन्वर्ट हो गई, एक ही वर्ण से चार वर्ण बन गए और वो जो सारी शक्ति थी वो समाप्त हो गई। अब वो घास फूस जो भी कंडुल शादी कह लो वो उपजाने लगे और घर बना के रहने लगे। तो सारा क्या हुआ, सारा जो चेतना के स्तर में गिरावट के बाद आरंभ हुआ। तो इसका तात्पर्य इसका अर्थ अपने को ये इंटरप्रेट जो अपन करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी चेतना के गुणों को यदि अपन तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से गुणातीत में ले जा सकते हो, कामना रहित यदि हो सकते हो, गुणातीत यदि हो सकते हो, तो ये जो वास्तु संबंधी, क्योंकि उसमें लिखा है ग्रह की भी कोई परवाह नहीं करता था, तो वो जो स्टेट है हायर स्टेट है, जितनी चेतना के उच्च स्तर पर रहेंगे उतने वास्तु दोषों का प्रभाव नहीं लगेगा। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी जो पाठ है शायद वर्ण आश्रम व्यवस्था होगा, सातवां अध्याय जो है, तो उसमें अपन विषय को और आगे बढ़ाएंगे और जो चार वर्ण हैं उसके गुणधर्म को समझने का प्रयास करेंगे और जो विभिन्न आश्रम बताए गए हैं उसको भी देखेंगे कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था में किस प्रकार से ये सातवां अध्याय वर्ण आश्रम प्रविभाग, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।